22 जून साउथ ईस्ट मॉनसून आज हमारा उड़ीसा में सेट इन हुआ है। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन, गजपति एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का कुछ पोर्शन में कवर किया है। बाकी अभी अगला दो दिन में इंटायर उड़ीसा में साउथ ईस्ट मॉनसून एडवांस होने से का कंडीशन फेवरेबल है। रेनफॉल पिछले 24 घंटा में आज सुबह तक जो हुआ है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में रेनफॉल हुआ है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ भी और भी रेनफॉल हमारा हुआ है। स्कैटर्ड वे में उड़ीसा में रेनफॉल हुआ है। ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट का भुवन में हाइस्ट रेनफॉल हुआ 70.0 मिलीमीटर। केवंझर डिस्ट्रिक्ट से हाथादी 66.2 मिलीमीटर। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का कोरोकुंडा में 61.0 मिलीमीटर। मलकानगिरी का चित्रकुंडा 60.0 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और अभी हमारा फोरकास्ट जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में साउथ उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही, नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ही हल्का से मध्यम बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का भी पॉसिबिलिटी है आइसोलेटेड वे में। गजपति, गंजाम, पुरी, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी और हैवी रेनफॉल बाकी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट में, बाकी कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में और इंटीरियर का मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, ढेंकनाल, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर कल 22, 23, 24 में भी हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश हल्का से मध्यम रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में होने का चांसेस है। और अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर अभी आज डिक्रीज कर चुका है ऑलरेडी और बाकी अगला दो दिन में और भी डिक्रीज करेगा 3 से 5 डिग्री तक। भुवनेश्वर सिटी में हमारा आज रेनफॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अगला 2-3 दिन में भी एक दो स्पेल्स करके भुवनेश्वर सिटी में भी रेनफॉल होने का चांसेस है।